पीएम मोदी की सीकर आमसभा को लेकर सैनिक बस्ती स्थित विधायक आवास पर भाजपा की हुई मीटिंग। चूरू के सैनिक बस्ती स्थित विधायक आवास पर रविवार को भाजपा की मीटिंग आयोजित हुई। मीटिंग में 27 जुलाई को सीकर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आम सभा को लेकर चर्चा की गई। मीटिंग में बताया गया कि आम सभा में शामिल होने चूरू से 60 बसों में कार्यकर्ता जाएंगे। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आज पूरे विश्व में सम्मान के साथ लिया जाता है। राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने देश को बेहाल रखा था। देश की बिगड़ी स्थिति को संभाल कर प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे विश्व में देश का नाम रोशन किया है। आने वाले 27 तारीख को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी सीकर आगमन हो रहा है और वो बहुत बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। उस सभा में हम चूरू शहर से और चूरू विधानसभा क्षेत्र से करीब 60 बसें हमारे यहाँ राठौड़ साहब के नेतृत्व में वहाँ जाएगी। 27 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सीकर की धरती पर इस संदर्भ में आज विधायक मोदी निवास स्थान पर बैठक की गई है। ऑनलाइन विधायक मोदी खुद जुड़े हमसे, कम से कम 60 बसें हमारे यहाँ से जा रही है। उस संदर्भ में कल भी बैठक थी और आज भी बैठक, इस संदर्भ हम सब लोग बैठे हैं, पार्षदगण बैठे हैं सारे सारे और मंडल के प्रधान।